जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप झूठ के बाजार में खड़े होते हैं। आपके पास की आसपास की सारी चीजें, सारे लोग सब झूठ होते हैं। जो आपकी प्रेमिका बनी है वो किसी और की प्रेमिका या किसी और की बीवी है, लेकिन इस समय आपकी प्रेमिका के रूप में आपके सामने खड़ी है। आपकी जो माँ बनी है वो आपसे सिर्फ 2-4 साल ही बड़ी है। आपका जो भाई बना है उसे आप जानते ही नहीं है। जो इंस्पेक्टर खड़ा है वो भी झूठा है, जो डॉक्टर खड़ा है वो तो अनपढ़ है। सारे लोग झूठे हैं और डायरेक्टर भी आपसे झूठ बोलने को कहता है, और आपको अपनी एक्टिंग के जरिए उस झूठ को इतनी सफाई से करना पड़ता है, इतनी सफाई से बोलना पड़ता है कि वो झूठ सच नजर आए। ये सारा कुछ झूठ जितना सच नजर आएगा आपके जरिए, उतने ही आप अच्छे एक्टर कहलाएंगे। अगर आप इस झूठ को सच साबित करने में जरा सा भी चूक गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इस झूठ को सच साबित करने के लिए आपको बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से, सब कुछ समझकर इस झूठ को सच साबित करना पड़ता है, और उसके लिए जरूरत पड़ती है समझ की, दुनियादारी के हर करेक्टर की समझ की, टेक्निक की समझ की। इसलिए बोलते हैं ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझाई जाती है, आपके अंदर वो चीजें डाली जाती हैं कि आप एक करेक्टर जो जी रहे हैं वो आप हो ही नहीं, आप झूठे हो, लेकिन सच दिखता है। आपकी लोगों के साथ केमिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि वाकई में ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये जो आपसे 2 साल बड़ी है ये आपकी माँ है, वो आपके केमिस्ट्री के जरिए दिखनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए आप बेहतर एक्टर बनते हैं। तो अगले वीडियो में ऐसी बहुत सारी और चीजें बताऊंगा जो आपके एक्टिंग में बहुत काम आती है, जिसे अगर आप अपने अंदर संभालें तो आप एक बेहतर एक्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए